दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग थ्री की शॉर्टकट की क्या है। ट्रिपल सी एग्जाम में राइटर काल इंप्रेस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1, 2, 3 ऐसे होता है। अगर थ्री हेडिंग आपको लगाना है तो इसके लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी Ctrl 3। अगर हेडिंग आपको कोई बड़ी लगानी है तो Ctrl 1 करेंगे, इससे छोटी लगानी है तो Ctrl 2, इसी तरह से थर्ड हेडिंग लगानी है तो Ctrl 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना होता है। तो बात करें लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम साइज की, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 600, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। मिनिमम आपका 20% होता है, मैक्सिमम 600% होता है। नेक्स्ट है, करंट फाइल जो ओपन हो कहाँ पर शो होती है। कोई फाइल आप कंप्यूटर पर ओपन करते हैं तो टास्क बार पर ओपन होती है, या टाइटल बार पे, टूल बार पे, या नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी टाइटल बार। जैसे कि हम MS Word की कोई फाइल ओपन करते हैं तो उस फाइल का नाम आपके टाइटल बार यानी टॉप पर शो होता है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है Ctrl D। Ctrl D प्रेस करेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन आ जाती है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर पेज में किस मेनू में से इंसर्ट करते हैं। अगर आपको फुटर इंसर्ट करना है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू से आप इंसर्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसर्ट टैब से, यानी इंसर्ट टैब से आपको इमेज लगाना है, ऑडियो लगाना है, पिक्चर लगाना है, हेडर फुटर लगाना है, तो इंसर्ट मेनू से ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल आप क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ए, .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या है। यानी अब लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कीज के द्वारा इंसर्ट करेंगे। तो इसके ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर आंसर इसका होगा सी, यानी कि Ctrl F12। Ctrl F12 करेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में सेव, ओपन, प्रिंट ऑप्शन शो होते हैं। तो उसका यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका फाइल। फाइल मेनू से आप सेव, ओपन, प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग फर्स्ट की शॉर्टकट कीज क्या है। तो अभी इसको हमने बताया था कि Ctrl 1 से पहली हेडिंग यानी बड़ी हेडिंग लगती है, इससे छोटी Ctrl 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, Ctrl 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका करेक्ट आंसर है F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम साइज 300% करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन हैं कि स्क्रॉल बार आपको 3 दिखते हैं या 4। तो इसको एग्जाम्पल थ्रू से हम बताते हैं। इसके लिए हम विंडो आर करते हैं और एस इम्प्रेस टाइप करेंगे, सॉरी एस राइटर। जब एस राइटर ओपन होगा तो उसमें हम 300 जूम परसेंट करेंगे, आप देख पाएंगे कि हाँ उसमें कितने स्क्रॉल बटन शो होते हैं। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर हमने ओपन किया है। अब यहाँ पर जूम साइज जैसा कि यहाँ पर आपको नीचे शो होता है, तो यहाँ पर हम 300% जब करेंगे, प्लस से बड़ा करेंगे, तो स्क्रॉल बटन आपको दिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम 300 कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्क्रॉल बटन आपका ये वर्टिकल वाला है, ऊपर नीचे खींचने वाला, और एक लेफ्ट राइट यानी हॉरिजेंटल होता है। तो ऊपर नीचे अगर यानी स्क्रॉल करना है तो ऊपर नीचे करके पेज को इस ड्रैग कर सकते हैं, और अगर लेफ्ट राइट करना है तो नीचे यानी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बटन से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात की जाएगी, तो करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी 2, दो स्क्रॉल बटन शो होते हैं 300% करने पर लिब्रे ऑफिस राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कीज़ क्या है।
तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कीज क्या है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कंट्रोल इंटर, इंटर, शिफ्ट इंटर और अल्ट इंटर। करेक्ट आंसर है ए यानी कंट्रोल इंटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ शो होता है, तो बात करें फुट नोट की तो पेज के बीच में, पेज के टॉप पे, पेज के नीचे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी यानी पेज के नीचे। पेज के बीच में तो शो नहीं होता है, पेज के टॉप पर आपका हेडर शो होता है, फुट नोट हमेशा पेज के सबसे नीचे शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कीज क्या है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए यानी F7। यहाँ पर राइटर में अगर हम कुछ टाइप करते हैं, अगर कुछ गलत लिख जाता है, जैसे यहाँ पे इंडिया हमने लिखा, या मान लो कोई भी वर्ड लिखते हैं, कंप्यूटर लिखते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेड लाइन शो हो गई यानी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से F7 का यूज करें या टूल्स बटन पे जाके स्पेलिंग ग्रामर चेक यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पर बता देगा, आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग ग्रामर चेक अगर करना है तो शिफ्ट F7 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज क्या है, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से आप डबल अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या है, तो जो MS Word में होती है वही आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर में भी होती है, कॉपी करके पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक वेब ब्राउज़र है, तो गूगल, याहू, मोजिला फायरफॉक्स, यूट्यूब, तो बात करें वेब ब्राउज़र की तो इसका करेक्ट आंसर है सी मोजिला फायरफॉक्स, जबकि गूगल और याहू एक सर्च इंजन है, यूट्यूब सोशल नेटवर्किंग साइट है। आशा करते हैं ये राइटर संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको CCC एग्जाम में जरूर मिलेंगे और आपको हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार।